नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मई 2022 के महीने में आ चुकी है बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 7 सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मई 2022 में जो भर्तियां निकाली जा रही है, संपूर्ण भारत से भर्तियां निकाली जा रही है और लगभग 1.5 लाख पदों पर यह भर्तियां हैं जो कि रेल SSC, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी डिपार्टमेंट की तरफ से भर्तियों की सूचना जारी कर दी गई है और कक्षा 8वीं से लेकर के 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास, ये सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2022 के महीने में आई सरकारी नौकरियों के बारे में जिनकी भर्तियों के आवेदन शुरू हो चुके हैं। संपूर्ण भारत से सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी, महिला और पुरुष। और दोस्तों, ज्यादातर जो भर्तियां निकाली जा रही है बिना परीक्षा के सरकारी नौकरियां हैं, यानी कि दोस्तों मई 2022 में जो भर्तियां हैं बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। और इस साल 2022 में आपका जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का, वो भी आप अपना पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना परीक्षा के माध्यम से। केवल आपको फॉर्म भरना है, आपको एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, महिला और पुरुष सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्तियां निकाली गई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इन भर्तियों की पूरी जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। दोस्तों, आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज के इस वीडियो में 7 भर्तियों की जानकारी लेकर आए हैं, एक करके आपको तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे, सीधा आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती की जो निकाली जा रही है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर आप देखते हैं कौन-कौन से पदों पर भर्ती है। फिटर के पद हैं, वेल्डर के पद हैं, मैकेनिस्ट के पद हैं, ब्लैक स्मिथ के पद हैं, कारपेंटर के पद हैं, लाइनमैन के पद हैं, वायरमैन के पद हैं, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के पद हैं और भी काफी सारे पद हैं जो आप जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। 2972 लगभग 3000 पद यहां पर जारी किए गए हैं जिनके लिए केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष, और चयन प्रक्रिया में केवल आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा, ना तो आपकी परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। ईस्टर्न रेलवे की जॉब लोकेशन है, उम्र सीमा जो है कम से कम 15 साल है, अधिकतम जो है 24 साल है, आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों, आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, SC ST PWD और वुमेन्स के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो केवल 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ITI डिप्लोमा डिग्री पास है तो आप सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 11 अप्रैल से 10 मई तक चलेंगे, 10 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की जो भर्ती है वो है PSPCL की तरफ से, यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिजली विभाग की तरफ से। दोस्तों, यहां पर लाइनमैन के पदों पर भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। कुल पदों की संख्या जो है 1690 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। बिजली विभाग जो है पंजाब की, वहां की जॉब लोकेशन है और यहां पर चयन प्रक्रिया में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। सैलरी आपको एस पर रूल्स मिलेगी और उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 37 साल है, आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों, आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 944 है, SC ST के लिए 590 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो केवल 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास NAC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, 30 अप्रैल से मई तक इसके आवेदन चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर की जो भर्ती है वो है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, BOI बैंक की तरफ से। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है, यहां पर आप देखते कौन कौन से पद हैं। इकोनॉमिस्ट के पद हैं, स्टैटिशियन के पद हैं, रिस्क मैनेजर के पद हैं, क्रेडिट ऑफिसर के पद हैं और काफी सारे पद हैं जिसकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। कुल मिला के 696 लगभग 700 पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है जिनके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं दोस्तों, जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की रहेगी और संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी
आवेदन कर सकते हैं। बैंक की जॉब है और चयन प्रक्रिया में आप दे सकते हैं, इन तीनों में से आपका कोई भी चयन प्रक्रिया में सिलेक्शन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जा सकता है। यहां पर हो सकता है कि आपकी परीक्षा ना ले, केवल इंटरव्यू ही ले, तो यहां पर और मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो 48,000 से लगभग 70,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 28 साल है, अधिकतम जो है 35 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों यहां पर जो आवेदन शुल्क है, जनरल ओबीसी के लिए 850 है, एससी एसटी के लिए 175 है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं, सीए पास हैं, एमसीए पास हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है इसके शुरू हो चुके हैं 26 अप्रैल से 10 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आसाम राइफल की तरफ से भी बंपर भर्ती आ चुकी है टेक्निकल और ट्रेडमैन की पदों पर। जी हां दोस्तों, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर यह भर्ती आ चुकी है आसाम राइफल की तरफ से, जो कि बंपर भर्ती है। 1380 पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया में आप देखते हैं 5 स्टेप से पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों यहां पर अब बात करते हैं सैलरी की, तो एज पर रूल्स आपको सैलरी मिलेगी और उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 25 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं आवेदन शुल्क जो है ग्रुप बी के लिए 200 रुपए है, ग्रुप सी के लिए 100 रुपए है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके भी आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 अप्रैल से, ठीक है, और मई तक इसके आवेदन चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि है यूपी SSSC की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ चुकी है खाद्य विभाग की नई भर्ती। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, सीनियर क्लास असिस्टेंट के पद हैं, लोअर क्लास असिस्टेंट के पद हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर के पद हैं। ये खाद्य विभाग की भर्ती है फूड डिपार्टमेंट की। कुल पदों की संख्या जो है 76 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। उत्तर प्रदेश की जॉब लोकेशन है। सैलरी आपको 9,300 से 1,12,400 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 25 है, एससी एसटी के लिए भी 25 है, पीएच के लिए भी 25 है, पेमेंट आपको ऑनलाइन या फिर एसबीआई के ई चलन के माध्यम से करना होगा। चयन प्रक्रिया में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्री पास है किसी भी विषय के अंतर्गत, तो आप सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 22 अप्रैल से 12 मई तक चलेंगे। 12 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, यानी कि HPCL की तरफ से। टेक्नीशियन के पद पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स में कौन कौन से पद हैं टेक्नीशियन के, पूरी जानकारी यहाँ पर है। कुल पदों की संख्या 186 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में आपका CBD बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। सैलरी आपको 26,000 से 76,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 25 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 590 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा डिग्री या पीजी पास हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन जो है 21 मई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी आ चुकी है एसओ की नई वैकेंसी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो पद है मैनेजर के हैं, सीनियर मैनेजर के हैं। कुल पदों की संख्या 145 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सैलरी आपको 48,000 से लगभग 78,000 रुपए तक प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 25 है, अधिकतम जो है 37 साल है। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 850 है, एससी एसटी के लिए 50 है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 7 मई 2022 तक इसके आवेदन चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी आ चुकी है नई और बड़ी भर्ती, जो कि मेल मोटर सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से है। पद जो है यहां पर दो प्रकार के हैं, स्किल्ड आर्टिशन के पद हैं और स्टाफ कार ड्राइवर के पद हैं। आवेदन केवल आपको ऑफलाइन करना होगा। यहां पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी,
होगी, केवल आपका ट्रेड टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। सैलरी आपको 19,900 से 63,200 रुपए प्रतिमाह मिलेगी। उम्र सीमा जो है 18 से लेकर के 56 साल तक की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं तो 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं 9 मई से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 मई भी आवेदन की लास्ट डेट है स्टाफ का ड्राइवर के लिए, और स्किल्ड आर्टिशन के लिए 9 मई लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों बीएसएफ की भी एक और नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से भर्ती आ चुकी है। यहां पर जो पद है इंस्पेक्टर के हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं और जूनियर इंजीनियर के हैं। कुल 90 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और सैलरी आपको 35,400 से 1,42,400 रुपए प्रतिमा मिलेगी। चयन प्रक्रिया एज पर रूल्स है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 30 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास है तो आप सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है केवल 30 मई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों DSSB की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। अलग अलग पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट के हैं, मैनेजर के हैं, शिफ्ट इंचार्ज के हैं, पीओ के हैं, डिप्यूटी मैनेजर के हैं, ड्राइवर के हैं, फिटर के हैं, सुपरवाइजर के हैं, काफी सारे पद हैं। 168 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सैलरी आपको 9,300 से 34,800 रुपए सैलरी मिलेगी, प्लस ग्रेड पे आपको मिलेगा। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 30 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। और आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यू फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन जो है 9 मई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की बंपर भर्तियों की जानकारी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।